आखिर लक्ष्य क्या है, मेडिसिन या चिकित्सा का लक्ष्य क्या है? तो सिंपल और साधारण शब्दों में जो कहा जाता है, अगर कहा जाए तो वह है कि प्रमोट द हेल्थ को प्रमोट करें, उसको प्रोटेक्ट करें। ये साथ ही साथ यह अत्यंत आवश्यक है कि इसके साथ ही हम कुछ ज्ञान की बातें कुछ ऐसा भी करें कि जिससे कि हम कुछ बीमारियों को रोका जा सके। बहुत ही पुरानी कहावत है, चीन में ये कहा जाता है कि डॉक्टर केवल चिकित्सा ही नहीं करता है, बीमारियों की का इलाज ही नहीं करता, बल्कि सच्चा चिकित्सक तो वह जो कि उसका रोकथाम भी करता है। और अगर देखा जाए तो रोकथाम के पहले जो प्रिवेंशन डिजीज की, प्रिवेंशन के पहले एजुकेशन डिजीज की और सामान्य एजुकेशन की भी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा कमा सकता है, काम का लाभ उठा सकता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि धर्म स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। जहाँ तक क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव मेडिसिन की जो बात है, वो आज की बात नहीं है, ना ये 10 साल पहले की बात है। ग्रीक जो थे उस समय एक फिजिशियन हुआ करते थे, एस्कुलेपियस, ये ईसा से करीब 2700 साल पूर्व की बात है। उनकी दो चिकित्सकों के आंकड़े को देखा जाए तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय चिकित्सक लगभग 50,000 चिकित्सक भारतवर्ष में थे। सन 1992 में चिकित्सकों की गणना करी गई तो लगभग 4 लाख चिकित्सक थे, और जो रेशियो बना एक बड़ी एक चिकित्सक का और एक पब्लिक का या जन चिकित्सा का लाभ पब्लिक को देवें, केवल 30% ही ऐसे हैं जो कि दूर दराज गांव में अपना कार्य क्षेत्र फैलाते हैं। और अगर ध्यान दिया जाए तो आज की जो जनता है भारतवर्ष में, लगभग 75% जनता गांव में रहती है, तो 70% जो डॉक्टर हैं वो 30% जनता को ट्रीट करते हैं या 25% पब्लिक को ट्रीट करते हैं, और जो 30% जो डॉक्टर बचते हैं वो गांव में जाते हैं। तो यह एक अजीब सी एक रेशियो बनता जा रहा है धीरे धीरे। इससे जागृत हुए, ये क्यों हुआ, क्या ये ऐसे ही आ गया ओवरनाइट या कैसे बात की? नहीं, मैं आपका ध्यान ले चलता हूँ बहुत पहले, लगभग 1800 साल, मैं ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पीछे ले चलूँ सन 1800 में। उस समय जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी, वो 1 बिलियन थी। सन 1930 में, यानी कि 130 साल में ये बढ़ के 2 बिलियन, यानी 1 बिलियन उसमें ऐड हुआ। 130 सालों में जो पॉपुलेशन में 1 बिलियन ऐड हुआ वर्ल्ड पॉपुलेशन में, तत्पश्चात 60 सालों में 1960 में एक और बिलियन ऐड हो गया, 1975 में 1 बिलियन और ऐड हो गया। यानी कि अगर 1930 से लेके 1960 तक 30 साल में हुआ, और उस 30 साल के बाद 15 साल में 1 बिलियन और ऐड हो गया आधे समय में, तो नेक्स्ट बिलियन हम सोचते थे कि ऐड होगा, वह इसमें कम नहीं आते हैं। और एक और है जो धूम्रपान से जनित होता है, वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, दैट इज अभी वो 6th किलर इन द वर्ल्ड है, मैं सोचता, और ये अनुमानित किया जाता है कि अगले 2020 में It will occupy third place, the greatest killer of that is the COPD, chronic obstructive lung disease, जो कि सिगरेट से या चिलम से या बीड़ी पीने से होता है। तो ऐसा जो अगर हम ये कंट्रोल कर लेते हैं, केवल इन कम्युनिकेबल डिजीजेज कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कि डायरिया है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मीजल्स है, ये सारी चीज़ें, तो हमारी मॉर्टेलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि इस पर बहुत ही गहन रूप से विचार करने की आवश्यकता है, क्यूरेटिव मेडिसिन के तरफ, बीमारियों का इलाज। और मैं सोचता हूँ कि अभी मैंने एक पैम्फलेट लिया था बाहर से कि एक पद्धति हमारे यहाँ चल रही है जो कि एक्यूप्रेशर की, जो यहाँ से चाइना में गया, फिर वो प्रचारित हुआ कि चाइना में ही का ही ये सिस्टम है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वहाँ भी लोगों ने प्रिवेंशन पे ही जोर दिया। और मैं सोचता हूँ कि इस वर्कशॉप में भी
इस तरह की चर्चाएं अवश्य होंगी जिससे कि नीड ऑफ द मेनी मस्ट बी ओवरपावर्ड देन द नीड ऑफ द फ्यू. कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार पड़ने से बचाएं और इस भावना से काम करें. कहा जाता है काम ये न राज्यम तुभ्यम न मोक्षम न पुनर्भव. हम चिकित्सक हैं और मैं सोचता हूँ कि इस भावना से अगर हम आगे कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. काम ये न राज्यम तुभ्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी प्राणार्थी नाशवान. हमें राज्य की कामना नहीं है, हमें मोक्ष की कामना नहीं है, ना हमें कामना है कि हमारा जन्म पुनः हो. कामना तो है केवल इस बात की कि संसार में जो दुख से पीड़ित लोग हैं. प्रार्थना के लिए महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष वीर श्री मानक जी संचेती से निवेदन करूंगा कि वे आपका माल्यार्पण द्वारा स्वागत कराएं. श्री अशोक की कोठारी का स्वागत वीर श्री महाराजी जी संचेती ने किया. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एस एन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य श्री गुप्ता साहब, महावीर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष श्री मानी संचेती उमर साहब, मोहन भारती जी, अशोक जी कोठारी, उपस्थित स्वास्थ्य के बंधुओं, माता बहन. जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है स्वास्थ्य की समस्या मानव के साथ में जुड़ी हुई है. लेकिन चेतनाशीलता ये प्रश्न हमारे दिल और दिमाग के अंदर ही बढ़ रहा था. हमारा मानव शरीर अपने आप के अंदर कितना परिपूर्ण है इस बात का कभी हमने चिंतन किया? हम चलते हैं फिरते हैं, कभी हमें हमारा वजन अनुभव होता है? वजन है लेकिन जहां का तापक्रम 0 डिग्री से नीचे है, सारा मौसम में चल जाए, जहां का तापक्रम 55 डिग्री तक पहुंच जाता है लेकिन शरीर का तापक्रम कहीं भी हो वही 98.4 डिग्री, ऐसा कोई एक से देखा? सही से कितना पसीना निकलता है लेकिन पानी के अंदर इसको हाथ उड़ा दिया तो क्या पानी अंदर जाता है? ऐसा कोई वाटर टैक्सी ने देखा? हम इतने हिलते हैं डुलते हैं दौड़ते हैं भागते हैं लेकिन कभी मन की नाड़ी इधर से उधर नहीं जाती. कैसी बनाओ हमारे इस मस्तिष्क ने ऐसा एक सुपर कंप्यूटर दिया है. कहते हैं दुनिया की सारी मशीनें आज तक जो बनी है बनेगी, उन सब का निर्माण अगर कोई कर सकता है तो हमारे सब मस्तिष्क है, तुम्हारे सुपर कंप्यूटर है वो कर सकता है. जिंदगी भर के अंदर हमारी क्षमताओं का 1% भी उपयोग नहीं करते और जिनका करते हैं उनका भी हम कितना फायदा उठा सकते हैं जो बिना गति से अनुगति से बड़ा बढ़ चुका है. 1 सेकंड भी बंद हो जाए तो हमारे शरीर में कैसी सफाई व्यवस्था है, लिम की कैसी व्यवस्था है, खून को शुद्धिकरण करने की कैसी व्यवस्था है, फेफड़े और गुर्दे क्योंकि शरीर के साथ में मात्र एक शरीर ही नहीं है, शरीर के साथ में जो चेतना का तत्व है, जो अतिथि का तत्व है, जो मानसिक शिक्षा का तत्व है, हमें उसको भी साथ लेना होगा स्वास्थ्य को समझने के लिए. और यदि हम उसको बॉन्ड करते हैं, यदि हम उसको निर्णय करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अधूरा ही रहता है. जिस शरीर के अंदर इतना सक्षम है लेकिन देखिए शरीर के किसी एक भाग के अंदर पिन छुप जाए, एक कांटा छुप जाए, एक चूँ छुप जाए, उस समय ना आंख को देखना चलता है, न कान को सुनना चलता है, न मुंह को बोलना चलता है. जिस शरीर के अंदर इतना समन है, अनुशासन है, तालमेल है, क्या उस शरीर के अंदर इतना रोग आ सकता है? एक बहुत बड़ा चिंतनीय प्रश्न है. क्षमता है हमारे पास, मैं लाख करोड़ व्यक्तियों हूं, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी एक आंख देने के लिए भी तैयार है? हम नहीं दे सकते. और जब ऐसी स्थिति है तो शरीर के अच्छे कंट्रोल होना चाहिए, यह पहला चिंतनीय प्रश्न है. और इसलिए उपचार करते समय शरीर को एक इकाई मानना होगा, शरीर ही नहीं शरीर के साथ में
मन और इंद्र को भी एक इकाई मान होगा, जिस शरीर के अंदर इतना समन्वय, इतना अनुशासन, इतना तालमेल, उस शरीर के अंदर रोग आ जाए सहयोग में, यह असंभव है। इस हॉल के अंदर इतने व्यक्ति बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति पर आपके अंदर ऐसी चीज क्यों नहीं आती। नेक्स्ट, हमें मानसिक, नेक्स्ट तो मन में विकास होता है तो आत्मा रोगस हो जाती है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य कैसा होता है, स्वस्थ कौन है? जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मैं पहला विषय करें, हम स्वस्थ हैं या नहीं? स्वस्थ किसे कहते हैं? क्या हम स्वस्थ हैं? स्वास्थ्य का मतलब होता है अपने आप के अंदर स्थित होना। अच्छा स्वास्थ्य होता है जब शरीर के अंदर विकार होते हैं उसे सही रोग होता है, और जब मन के अंदर विकार होते हैं तो मन रोग होता है, और जब आत्मा विकार होते हैं तब आत्मा रोग होती है। ये चीज जो कर अभी आती है अपने आप हो रही है। आरोग्य निरोग, यदि हम जितने भी बैठे हैं हमारे शरीर की अगर हम पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, जब तक वो बाढ़ लेता हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, ये आरोग्य की अवस्था है। लेकिन निरोग का मतलब शरीर के अंदर रोग पैदा ही ना हो। रोग क्या है और रोग क्यों होता है? किसी को कहेंगे तो कहेगा इसे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस व्यक्ति को रोग की अवस्था होती है, तो कोई कहेगा एक्सीडेंट के कारण रोग होता है, कोई कहेगा इसके अंदर वायरस से रोग होता है, कोई कहेगा वात पित्त के कारण रोग होता है। शरीर के अंदर विकारों की जो अभिव्यक्ति, जो अलग अलग माध्यम है, अलग अलग जो तरीके हैं, वो हमारे रोग के कारण है, लेकिन रोग का मूल कारण है। और पित्त का जो असंतुलन है वो रोग का कारण है। यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो परीक्षण के आधार पर वो रक्त के अंदर हिंदुस्तान के एक एक भट्टाचार्य नाइट के वेस्ट बंगाल में, लेकिन क्योंकि उस किताब पर मैंने स्वास्थ्य विभाग विभिन्न चार्ट में है, जैसे अभी चैंस ने कहा कि आपको एलोपैथी में कौन सी दवाई लेनी है, आप पेंडुलम से करिए भी कि मुझे कौन सी दवाई लेनी है, और उसके साथ ही पेंडुलम अपने आप को स्वस्थ चला जाएगा। आपको सबसे फिट नहीं करना, आपको चले जाओ, आप अपना बनाए, आप कर सकते हैं। मुझे कौन सी चीज है, कौन सी दिन है, डेट को पढ़ते हैं हम इस वजह से कि हम एक स्मार्ट कर देते हैं। एक व्यक्ति का भोग हुआ नाम स्मिथ हो सकता, अब उसे नाम कैसे ढूंढना है, नाम ढूंढना है तो एबीसी लिखी, इस व्यक्ति का पहला नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, वो नाम का नाम बता दे। कहने का मतलब यह है दाऊदी ने वो किताब पढ़ी ब्रिटेन, उससे बाद में मैंने दाऊदी के विषय में अनेक ऑफ वर्ड बुक्स पढ़ी। मुझे आज 25 डॉलर देने वाले व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम पकड़ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आज अमेरिका के जो डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो वहां बैठे खड़े कि मालूम करते हैं कौन सी पंडुबी कहां पर है, हिंदुस्तान में जो भी इराक के अंदर उसका मकान कैसे बना हुआ है, कैसी चीज है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपर साइंस के अंदर जितनी भी चीज है उन्हें हम अंधविश्वास पत्र नकार नहीं जब तक कि उसके संबंध में ऑथेंटिक साइंस उपलब्ध है। आज अच्छे अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो डाउजिंग के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट डायग्नोसिस डिसाइड करते हैं, और जब डिसाइड करने के बाद में उनकी जो स्थिति आती है उसके हिसाब से वो रोग का उपचार करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय शरणीय जी, सारे प्रदेशों से आए हुए डॉक्टर्स, भाइयों बहन, आपको थोड़ी सी हैरानी लगी होगी कि एक सेना का अफसर प्राकृतिक चिकित्सा ये जो जितनी पंक्तियाँ हैं इनमें क्यों दिलचस्पी रखता है। मैं 40 साल सेना में रहा और आपको पता है कि सेना के अंदर एक बड़ा डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर जो पद्धति इस्तेमाल किया जाता है
सेना के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा योग को मान्यता दिलाने के लिए कोशिश की और उसके बाद आज सेना का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल जो है वो दिल्ली में जो हमारा बेस हॉस्पिटल है उसमें बन गया है। दूसरा ये है कि हिमाचल प्रदेश में एलोपैथी आयुर्वेदा सभी थे लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। जैसे आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल एक शांत वातावरण का हिली एरिया है और उसके अंदर बहुत कम बीमारी होती है। उसमें भी हिमाचल सरकार को पकड़ करके हमने सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा योग का बोर्ड बनवाया कि आप प्राकृतिक चिकित्सा जिसका कोई खर्च नहीं है, जितनी भी हम पद्धतियां आज पढ़ रहे हैं मेरे सभी से बहुत सारे स्पीकर जो थे एलोपैथी के थे बाकी सिस्टम के थे सभी ने बातचीत की, हमारी पद्धतियां जो है इसके अंदर ये बिल्कुल सरल और बिल्कुल बगैर पैसे बगैर खर्च होती है। और जैसे आपसे बातचीत हुई है कि ये सारी चीजें जो है आप अपने शरीर पर खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर मिट्टी पानी धूप हवा आकाश और ये जो हमारे योग के साथ जो आसन प्राणायाम क्रियाएं हैं इनके लिए पैसा नहीं खर्च होता है, इनके लिए कोई दवाई नहीं देनी है, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल मुफ्त मिलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इन पद्धतियों के पीछे पड़ रहे हैं और आज अमेरिका में जितना योग हमारे हिंदुस्तान में नहीं है जितना अमेरिका में हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर कई बार हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसके अंदर बाहर वाले देश के लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और जो आपके हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो पद्धतियां हैं इनके बारे में ज्ञान जानने के लिए लोग बड़े उत्सुक होते हैं। जैसे अभी बताया गया हमारे बहुत सारे चिकित्सक हैं बाहर के देशों में जाते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि 1971 की लड़ाई के अंदर मैं एक बॉर्डर के ऊपर बैठा था और मेरा एक ऑफिसर मुझे कहकर जाता है कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जा रहा हूं और मैं 2 घंटे के बाद वापस आऊंगा। लेकिन वो अफसर अपने जवानों के साथ आधे घंटे के बाद एक स्ट्रेचर पे लाया जा रहा है और उन जवानों को पूछ रहा हूं कि मेजर किपकर जो है क्योंकि फुटबॉल का सबसे बढ़िया प्लेयर था उसको मैंने इनको स्ट्रेचर पे क्यों ला लिया के साथ उनका माइंड से जो है पैर हो गया है मेरे साथ का और उनका पैर जो था बूट के साथ अलग स्टेजर पे रखा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी। हुआ क्या था कि उन दिनों बारिश हो रही थी जिस दिन वो गए थे, लड़कों पास गलती से किसी के पास उन्होंने एक कपड़ा बांध करके कान को बांधा हुआ था, ब्लीड हो रहा था, बहुत सा खून निकल रहा था। मैं मोर्चे के अंदर बैठा हुआ था, मैं कैसे आपको बताया कि मैं 40 साल से प्राकृतिक चिकित्सा के पीछे पड़ा था, मिट्टी पड़ी थी मोर्चा टूटा हुआ बिल्कुल नर मिट्टी थी, हमने उसको मिट्टी में जल्दी से पानी लगाया आटे की तरह ढूंढा और जो जहां से ब्लीडिंग हो रही थी पैर वहां से कटता वहां पर बांध दिया। रात का 3 बजे का टाइम था, हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता है, आपको 200-250 किलोमीटर के ऊपर मिट्टी अस्पताल है वहां जा नहीं सकता है। सुबह होने तक उसकी हालत देखिए क्या हो सकती है कि इतना ब्लीडिंग होता है कि आपके जो मर सकता है। उस मिट्टी को लगा करके कपड़े से बांध करके सुबह 7:30-8 बजे हेलीकॉप्टर आने का टाइम हुआ तो बादल जो इतने घने थे कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका। शाम हो गई, शाम को थोड़ा सा बादल हटे, हेलीकॉप्टर आया पेशेंट को लेकर चले गए। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा डॉक्टर ने देखा ये किसने लगाई है, उन्होंने कहा कि जिस किसी ने कहीं ब्रिगेड कमान जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर बैठे थे उनसे बातचीत हुई कि क्यों नहीं उसको पट्टी और दवाई और एमआरआई में लेकर के ट्रीटमेंट की और बाकी काम किए। लेकिन जब उन्होंने वो जो 48 घंटे के बाद जब वो सारे के सारे पट्टी को खोला तो देखा कि वो जो जहां से काम कटी हुई थी बिल्कुल आराम आ रहा था उस स्किन को और वो स्किन बिल्कुल ठीक हो रही थी। उसको देख करके उन डॉक्टर्स को जो स्पेशलिस्ट उनको हैरानी हुई, बजाय कि उसको कहा कि उस अफसर को बुलाओ या जिसने ये मिट्टी लगाई है उसका कोर्ट मार्शल हो उसको फौज से निकालने के बजाय उसको बोला हम उसको पूछना चाहते हैं कि उसने ये चीज कहां से की है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी सेना के अंदर
तकरीबन 90% जवान जो है कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि उनका रहन सहन खान पान सभी जो है वो ठीक टाइम के ऊपर होता है। उसी के कारण जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। ज्यादातर जवान जो है बीमार होते हैं, अक्सर बीमार होते हैं अपनी गलती से, या तो उनको कहीं गोली लग जाती है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, उनके कारण जो है वो सारे होते हैं। दूसरा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये ट्रायल जो हमने आर्मी के अंदर उस वक्त 65 के बाद से लेकर आज तक जो हुए सेकंड प्लेसेस के ऊपर कारगिल के अंदर, पूरे प्रदेश में राजस्थान में हम जगह हर जगह पे गए, वहां पे प्राकृतिक चिकित्सा योग के ट्रायल जवानों के ऊपर किए, फैमिलीज के ऊपर किए। एक ट्रायल की बात मैं साइकिल रेसिस में बताना चाहता हूँ कि जिस जगह के ऊपर जवान जो है 5 से 10 मिनट रुक सकता है, उससे ज्यादा नहीं रुक सकता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, आज उसी जगह पे जवान 2-2, 3-3 महीने रह रहे हैं। जहां पे वो अमेरिकन लैंकर द लैंप अमेरिकन इक्विपमेंट हम लोग पहनते थे, आज हम अपना हिंदुस्तानी जो इक्विपमेंट जो पहन रहे हैं। कारण ये है कि योग के अंदर प्राणायाम के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। एक चीज अभी बात किसी बात की है कि स्वर जो है हमारा, हम ये चीजें जो है सारी के सारी अपने जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, शिव जी थे, जिनके हम तपस्या करते हैं, उनसे ली है कि वो लोग नंगे पहाड़ों में अमरनाथ का गुफा में या अलग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे नंगे कैसे फिरते थे, कैसे रहते थे। उनका एक ही कारण था कि अपने शरीर को किस प्रकार गर्म करना है और किस प्रकार शरीर को ठंडा करना है और किस प्रकार शरीर का न्यूट्रल रखना है। जो हमारे चुरड़िया पूरे स्वर जो है, जब हम सूर्य भेदी और चंद्र भेदी योग में करते हैं, तो हम लोगों ने जब वहां ट्राई किए इसके अंदर साइकिल के अंदर और लेह लद्दाख के अंदर कारगिल एरिया के अंदर, तो हमने जवानों को जो भी वहां पे था उसको बताया कि आप डेली ऐसा से नाश्ता से स्वर को दीजिएगा और तकरीबन 10-15 मिनट दीजिएगा, उसके शरीर में गर्मी आना शुरू हो जाती है। और वो गर्मी से क्या हुआ कि लोग जब हमने ये चीजें करवाना शुरू की तो लोगों को फायदा हुआ उससे। इसी प्रकार हम लोगों ने बहुत सारे ट्रायल के सेना के अंदर, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेना के अंदर भी इन चीजों को, इन पद्धतियों को, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा वाले हम पद्धतियों वाले हम कहते हैं कि आदमी बीमार हो तो रोग क्यों, अगर आपको खांसी हुई है तो उसका कारण क्या है, क्यों हुई है। हम ये नहीं कि पद्धतियों को सीख करके इसका इलाज करना शुरू करते हैं या बाकी चीजें करें, हमारा कारण है कि हम किस तरह इंसान को, एक इंसान जो है उसको बीमार नहीं होते हैं। दूसरा ये दिमाग की हुई अपनी लीड के बारे में, दिमाग के बारे में आपको पता, सेना के अंदर हर चीज फ्री मिलती है, लीड अंडा शराब बीड़ी सिगरेट कपड़ा हर एक चीज फ्री मिलता है, और इतना मिलता है कि वो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं 45 साल सेना के अंदर रहा हूँ, शराब ना अंडा कुछ नहीं खाया। जिस पलटन में रहा उस पलटन के जवानों को भी मैंने मोटिवेट किया कि बेटे पहाड़ों पर चढ़ना है, ये नहीं कि मीट से ताकत मिलेगी, शराब से शरीर में ताकत मिलेगी, नहीं। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा कई जगह ऐसे एरिए होते हैं हमारे जहां पर ठंड होती है, तो थोड़ा सा देना पड़ता है शराब से, जिससे शरीर गर्म रहता है। लेकिन मैं उनको पूछ गया कि मैं तुम्हारे साथ बगैर शराब से बगैर मीट ठंडा खाए रह सकता हूँ, तो आप लोग भी रह सकते हैं। तो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, बाकी पत्तियों के बारे में आपसे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को जो न्यू जनरेशन आती है उनको अच्छे संस्कार दें। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों ना आप खुद अगर चार नहीं होते तो अपने बच्चों को चार नहीं खाइएगा। ये जो आपका ब्रह्महूर्त का टाइम जो है वो आपको कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता है। 24 घंटे के अंदर जो 4 और 6 बजे का टाइम होता है वो 24 घंटे का सबसे बढ़िया ब्रह्महूर्त के टाइम जो है वो सबसे बढ़िया होता है। और वो जो आपका ऑक्सीजन है वो ही पूरे शरीर को, प्राण को जिंदा रखती है। हम लोगों के सेना के अंदर सबसे ये है कि हम लोग सबसे पहले सुबह उठ करके अपनी जो, अभी एक और चीज बताना चाहता हूँ कि सेना के अंदर अभी क्या होता है, पहले हम फिजिकल ट्रेनिंग 1 घंटा करते थे, दौड़ना भागना उल्टा पुल्टा सारी चीजें करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि आधा घंटा जो है हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और आधा घंटा आसन प्राणायाम और क्रियाएं करते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं, छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, ये इतनी हमारे जवानों में जितनी कामयाब नहीं हो रही है जितनी हम उनकी फैमिलीज और उनके बच्चों के ऊपर कामयाब हो रही है।
तुम्हें ज्यादा स्नेह नहीं होगा, मुझे पता है मुझे थोड़ा सा स्नेह मिला था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये पद्धतियाँ जो है हमें इनको बढ़ावा देना है और इसको बढ़ावा देखो अभी 40 साल 50 साल के सरकार ने भी इस बारी प्राप्त चिकित्सा योग को इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिकॉग्निशन दी है, जो आयुष विभाग बना है उसके अंदर प्राप्त चिकित्सा। लेकिन ये सारी की सारी आप लोग जितने भी चिकित्सक हैं, लेकिन जो बाकी पद्धति है इनको भी हम मान्यता देने के लिए हमें मिल करके इकट्ठा होकर के सरकार को हिलाना है। अगर हम अलग अलग काम करते रहे और हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, मैं ये कहता हूँ जितनी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सभी इन पत्तियों के ऊपर, इनका कुछ ना कुछ हमारे पास रिकॉर्ड और कुछ ना कुछ लिटरेचर होना चाहिए, ताकि सरकार को या किसी एलोपैथी के डॉक्टर बीएमएस के लिए नेचुरोपैथी किसी को भी उसको बता सके कि मैंने आज तक 500 पेशेंट ट्रीट किए हैं और ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरी स्टडी है, आप बताओ क्यों नहीं इसको रिकॉग्निशन देते हैं। प्राकृत चिकित्सा योग का भी कारण क्या था, यही था, इसको कोई रिकॉग्निशन देने के लिए क्या नहीं था। आज जो प्राकृत चिकित्सा का जो है सरकार ने जो है 5.5 साल के डिग्री कोर्सेज कॉलेजेस खोल दिए हैं, उसके अंदर डिग्री कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी बाकी पत्तियाँ हैं इनको भी मान्यता मिले। धन्यवाद। Instructing and teaching is my habit. Scouting and guiding is my interest. Drugless therapy is my hobby. अब तक जितने वक्त आए थे उनको मुझसे बहुत अधिक अनुभव था, उसमें रुचि डेवलप हुई। उसी समय मेरा लड़का बॉम्बे में ऐसी था, उसने कहा पापा जी आपकी इज नथिंग बट योर ओन यूरिन, यूरिन थेरेपी के बारे में बताया जा चुका है, बहुत अच्छी चीज है, मैं इसका प्रयोग करता हूँ। 8 साल से कैटलेट शुरू हुआ था है डायमंड क्लासेस को, 30 PhD करा चुका हूँ और रिटायरमेंट के 16वें वर्ष में भी मेरे लिए एक बीएड कॉलेज में ट्रांसफरशिप मिली हुई है। हम जिस परम पिता परमात्मा से जुड़े हैं वापिस उनसे जुड़ने के लिए योग जरूरी है। वैसे स्वस्थ रहने के लिए या अपना शरीर बनाए रखने के लिए योग गौण है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जहाँ से निकले, जिस परमात्मा से, जिस अंश से निकले, वापिस उसमें कैसे मिले। कोई भी व्यक्ति गोबर प्राप्त करने के लिए गाय को नबी नहीं पालता, गाय को इसलिए पाला जाता है कि गाय दूध देती है। तो इसी के लिए योग हम इसलिए करें कि हमें कुछ परमात्मा से मिलना है, स्वस्थ होना वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। अब योग को हम साधारण भाषा में लें कि जैसे एक मेले में माँ और बच्चे दोनों साथ में निकले, मेले में किसी वजह से माँ का हाथ बच्चे से छूट गया और बच्चा माँ से बिछुड़ गया। बिछुड़ गया मतलब क्या, बच्चे का माँ से वियोग हो गया। तो जो ही वियोग हुआ, माँ भी दुखी, बच्चा भी दुखी। इतने में किसी सज्जन ने ये नाम बताता है, अपनी मम्मी का नाम बताता है, अगर उसकी मम्मी हमारी आवाज सुन रही हो तो कृपया आके बच्चे को ले जाए। अब देखिए जो ही माँ ने अनाउंसमेंट सुना वो अपने काउंटर ये नियंत्रण कक्ष में गई और जो ही बच्चे को देखा तो क्या हुई, खुशी हुई। क्या हुआ, माँ बच्चे का योग हो गया तो खुशी हो गई। इतना कहके मैं नहीं अपने शब्दों का विराम देता हूँ, आपने मेरे को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब मैंने उसमें पढ़ते पढ़ते 100 उंगलियों तक पहुंची तो उसमें एक एक लिखा पाया।
इस शहर में लोगों का क्यों लाभ की जाए, जिसका जो थेरेपिस्ट यहाँ आए हमारे साथी लोग उसका कोई फायदा होना चाहिए। एक्यूप्रेशर से रिलेटेड जितने भी टेक्निक्स हैं जनरली उसके अंदर स्टिमुलेशन प्रेशर मेन ट्रीटमेंट की मेथड है, और उस प्रेशर के अंदर पेन इन्वॉल्व है। डायग्नोसिस के थ्रू पेन और ट्रीटमेंट भी उस पेन को पॉइंट का स्टिमुलेशन करके वेरिएबल प्रेशर के साथ में। नो डाउट कीजिए आपको इस तरह की थ्योरी समझ लेनी चाहिए, और बहुत से हमारे थेरेपी साथ इस बात को काफ़ी सीरियसली नहीं समझ पाते हैं। ज़्यादातर लोगों को मन में धारणा है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर लगाया जाएगा शायद उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छा आराम आएगा, ये गलत धारणा है। पेशेंट के ऊपर जब तक शुरू के पॉइंट्स हों या ड्रग्स हों के पॉइंट हों उसके लिए प्रेशर की टेक्निक के लिए जो एक नंबर बात है उसको कहते हैं वेरिएबल प्रेशर, वेरिएबल। और वेरिएबल प्रेशर का मतलब है हर एक की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी, और वेरिएबल का कोई थर्मामीटर तो है तो मेजर करने के वेरिएबल कैसा है। तो वेरिएबल को एक सेंटेंस में आपके लिए डिफाइन करूँ कि पेशेंट शुड नाइदर बी कम्फर्टेबल नॉर बी अनकम्फर्टेबल। वो कंफर्टेबल भी नहीं होना चाहिए कि आराम से आपको करवाता रहे, और वो अनकम्फर्टेबल भी नहीं होगा धीरे धीरे ऐसे मुँह बैठ के बैठा हो कदर सहने नहीं होगा। ये अगर थ्रेशोल्ड लिमिट का आप ध्यान रखेंगे बच्चे की लिमिट अपने हिसाब से लेडीज महिलाएँ ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए वेरिएबल प्रेशर का एक मंत्र है जो आपको हमेशा वेरिएबल प्रेशर के साथ में थोड़ा स्टिमुलेशन करना ट्रीटमेंट की मेन की है उसको सक्सेस कर देगी। लेकिन फिर भी इंस्पाइट ऑफ दैट कुछ लोगों की थ्रेशोल्ड लिमिट पेन की लिमिट बहुत पोअर होती है, इवन आप थोड़ा सा दबाते हैं और वो हाई हाई करना शुरू कर देते हैं। ये आपको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सिचुएशन आपको फेस करनी ही पड़ती है। बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं कुछ लोगों को अजीब से रिएक्शन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाना टकाना आ जाना एसिडिटी हो जाना थोड़ा सा हल्का सा चक्कर आ जाना ऐसी संभावना भी रहती है। सुलोक के अंदर प्रोफेसर पागलू ने इस समस्या का निराकरण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। जैसे जोड़िया साहब ने मेथी का एप्लीकेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात बताई, और सुलोक के पिछले 10 साल के अंदर हमने ऐसे तजुर्बे किए हैं कि सुलोक के अंदर जितनी भी जो ट्रीटमेंट के जो पॉइंट्स हैं बाबा पैर के अंदर उसके अंदर अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्लांट या सीड या कोई भी हर्ब उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है उसका एप्लीकेशन आप इंटरनल नहीं करके या फिर एक्सटर्नल कर सकते। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बताता चाहता हूँ जो हमने पिछले 5 साल से रेगुलर हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में किए हैं और एडवाइस किए हैं। बहुत सुंदर और मोस्ट क्रोनिक प्रॉब्लम्स के अंदर भी 3 या 4 दिन में कंप्लीट रिजल्ट आने वाली टेक्निक है, और उसमें सबसे एक जो हमारा बहुत पसंदीदा जो फॉर्मुलेशन है वो है कंजेशन ऑफ लंग्स। कफ कई बार इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, 2 तरह के कफ में प्रॉब्लम है लंग्स के अंदर, या तो फिल्टर निकलता नहीं है और निकलता तो कंटिन्यूसली निकलता जाता है और वो अंदर उसकी प्रोसेस जो फॉर्मेशन की चालू रहती है। दोनों डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम कन्वर्ट होते होते टीवी ट्यूबरकुलोसिस तक भी डेवलप हो सकती है, इसमें कोई पूरी गुंजाइश है। और थेरेपिस्ट का ज्यादा सवाल है प्रेशर देने के बावजूद भी अगर आप मेटाफिजिकल आस्पेक्ट को नहीं पकड़े तो बहुत ज़्यादा परमानेंट क्योर होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। उसके लिए हमने बहुत छोटा सा फॉर्मुलेशन तैयार किया है, सुधो फॉर्मुलेशन जिसका हम नाम दिया है उसका, और 3 दिन के अंदर कैसी भी प्रॉब्लम हो जो उनको 10-10 साल से कंजेशन की प्रॉब्लम थी चेस्ट लंग्स के अंदर कफ की अस्थि खांसी की और इसकी वजह से अस्थमेटिक जो प्रॉब्लम रहती थी वेटलेस चेस्ट की वो बहुत इजी तरीके से सक्सेसफुली हैंडल की जा सकती है। वो है सफ़ेद सरसों का येलो पीली सरसों का प्लास्टर बनाकर लगाना। पीली सरसों की आपको प्रॉपर्टीज मालूम है, पीली सरसों को पाउडर बना दिया उसको अगर बाट उसको क्रश करके और उसका वार्म वाटर के अंदर पेस्ट बना दिया, ये गर्म पानी के अंदर पीली सरसों का पतला लेप बनाकर रात को सोते हुआ ये हमारा चेस्ट का एरिया सुनो के हिसाब से आपको मालूम है 2 लेग्स आर्म्स हेड एंड लेग चेस्ट एब्डोमेन ये हमारे बॉडी के 7 कंपोनेंट है हेड एंड लेग आर्म्स चेस्ट एब्डोमेन और 2 लेग्स 7 बॉडी पार्ट्स है। देखो 7 कंपोनेंट 2 लेग्स आर्म्स हेड एंड लेग अगर इसको आप इस पोस्टर में अगर देखें इस अंगूठे को टर्न करके आप यहाँ पर अगर इसको कल्पना के अंदर देख लें तो देखो बीच के अंदर 2 लेग्स है हमारी साइड के अंदर 2 आर्म्स हैं और टॉप के ऊपर हमारा
हेड एंड नेक, और हेड एंड नेक से जुड़ा हुआ क्या पार्ट है? चेस्ट है। तो हेड एंड नेक के बाद में चेस्ट, चेस्ट के नीचे एब्डोमेन, नेक्स आर्म। तो ये हमारा चेस्ट का एरिया है। रात को सोने से पहले जो आपने योग मास्टर का जो ये बनाया है, इसके ऊपर दोनों गर्ल्स के ऊपर अच्छी तरह से लेट करके उसके ऊपर एक बॉटल लगाकर, थोड़ी सी कपड़ा या बॉटल लगाकर, और उसको पेट से चेक करते हैं। मेरे ख्याल से लंग्स से क्या ऊपर, लंग्स कॉफर्ड से क्या ऊपर, हाँ ये लंग्स जो अंगूठे के नीचे जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हमारे लंग्स है सुजोग के अंदर। इसके ऊपर येलो मस्टर्ड का पेस्ट बनाकर ले कर दें। मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर आपका पता होगा निकालना शुरू हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने डे वन की बेबी की एज के अंदर, तो पहले दिन जो बच्चा जन्म हुआ है और फिर वो इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में कंजेशन हुआ, डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं देना चाहते, डॉक्टर कहते हैं इसी के बच्चों को एंटीबायोटिक देना अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन कंजेशन इतना हैवी है कि बहुत मुश्किल है। ऐसे केसेस में तकलीफ एक दिन के बच्चे से लेकर 80-90 साल के उम्र तक के ओल्ड एज पर्सन के ऊपर ये मामला मिले, कम से कम 2000 लोगों को अप्लाई किया है और शायद ही एक या दो केस होंगे जिसमें डेथ है। कितना हाई सक्सेसफुल ये पॉपुलेशन है। लंग्स की किसी भी तरह की एस्मेटिक प्रॉब्लम, कंजेशन का इसकी प्रॉब्लम हो, इसका आपका करना के 3 दिन मेरे ख्याल से शायद मैक्सिमम लगाना पड़े, 3 या 4 दिन तक कितने भी पुराने लंग्स की प्रॉब्लम, कोई प्रेशर नहीं, कोई पेन नहीं, कोई दबाव नहीं। और एक छोटी बहुत छोटी सी मतलब मैं आपको खाली ओरिएंटेशन करना चाहता हूँ, तो इस तरह का एप्लीकेशन आप अपने माइंड से कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि आइस के लिए कोई पर्टिकुलर हर्ब है जो आपको आइस के अंदर डालने से फायदा करती हो या खाने से फायदा करती हो आपको, तो उसका एप्लीकेशन आप खाने की जगह आइस और सोने से पॉइंट के ऊपर करेंगे तो भी सेम इफेक्टिवनेस है और बल्कि ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। पता नहीं ये वाकई इतना मतलब रियल वाकई है या मजाक की बात है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अहमदाबाद के अंदर मैं क्लास ले रहा था सुबह की ट्रेनिंग क्लास, मजाक करने की फीस में आ जाते तो मैंने एक जगह यही टॉपिक पढ़ा था, बोला इस बात से जब अभी किसी को अगर घर में अटैक होगा तो बांगियाँ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों इतनी सारी बांगियाँ लगाए? देखो अपना इतना सा ये है यहाँ पर, तो अपने जब बैठक हो तो बांध यहाँ पर लगा दीजिए। और मैंने आपको आगे तो मजाक बोला था, मैं सीरियसली कहा, मैं सीरियसली कोई अगर लंग्स से फॉर्मुलेशन वगैरह करता हूँ पढ़ाई में, ये तो मैंने मजाक में बोल दिया और भूल गया बोलते 15-20 बात में मेरी स्टूडेंट का बोला है और मैं बोलूँ सर कमाल हो गया, क्या कमाल हो गया बात ही समझ में, पहले बात तो बताओ किस बात का कमाल हो गया। आपने बोला था क्लास के अंदर के हेड हो जाए तो बांध लगा रहा है, आपको सीधा हेड था पॉइंट ऑफ प्रेस नहीं किए, मैंने आपको काटना ही तो नहीं पाया, काटना ही आ जाया और यहाँ पर उन्होंने काम लगाई और हेड भी सीखे। और ये ट्रू बात है, ये पॉसिबिलिटी ऑलवेज मौजूद है, लेकिन मैं नहीं चाहता था आपका से फॉर्मुलेशन करें। अहमदाबाद के अंदर मेरे स्टूडेंट और राजेश सोकारी पिछले 10 साल से सीरियर अस्थमा के पेशेंट है, इतनी प्रॉब्लम है कि मेरी क्लास अहमदाबाद में फिक्स नहीं हो रही थी, दिल्ली में क्लास थी, अहमदाबाद से दिल्ली आकर कोर्स अटेंड किया मैंने ठीक देख लिया, और सीरियर के बाद में अपना ये ट्रीटमेंट अपना शुरू किया, अपना ये जो कफ वगैरह ले ली थी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहो और देखो उसको मारा।
का फायदा है, इतने सौ से बचा दिया आपने, और वो लगाने के बाद में घंटी बजाते कोई गैस आ जाए तो इधर तो सुखते रहते हैं, अब कैसे लगाया और किसके किसी से साथ मिला है, अब मुझे लगा भी लगा है आपका काम भी हो गया। नहीं मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ इससे भी ज़्यादा इफेक्ट हूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये एरिया ज़्यादा इफेक्ट हुई है, तो आपको हर्डल का ठीक लगा था चेहरे के ऊपर, लेकिन एक काम आपका समझ में देना चाहिए, पार्टी में जाओ लिपस्टिक ही लगा के चले जाओ, लिपस्टिक ही लगानी पड़ेगी आप, लिपस्टिक का रंग और चलो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कभी कभी हो जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मेरे पास घुस गए, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम का बहुत सिंपल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ, टेम्परेरी, ये उससे बड़े टेम्परेरी अपने को ले जाती है, ये किसी किताब में लिखे पड़े नहीं लगे, लेकिन मेरे अपने तरीके से सुनो के बारे में मेरी जो आस्था है और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो मेरी सेंस है, मेरे एक मित्र है चंडीगढ़ के अंदर, उनका सन वॉपर है, उनकी विशेष को डिलीवरी होने वाली है, और बिजली के टाइम पर जो एविएशन होता है कोविड में तीन साला घबरा गए थे, वो बहुत प्रॉब्लम है, चंडीगढ़ क्लास लेकर ले गया बोली उससे अंकल बहुत प्रॉब्लम है, मैंने कहा मैं इस ऐसे केस के अंदर ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, नेचुरल रिएक्शन है, इसलिए कोई प्रेशर पॉइंट करने की तुम्हारे को एडवाइज नहीं करूँगा, बॉडी अपने आप ही बॉडी सेट करती है, अपने आप भी हो जाएगी, नहीं मुझे कुछ आपको पता पड़ा मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ, मुझे एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, आप मुझे इससे बचाना चाहते हो नेचुरल प्रोसेस में, मुझे एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, वो और ज़्यादा हैरान करने वाली है इसके लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा चलो ये छोटा सा नुस्खा मैं तुम्हारे को बताता हूं, आपको मालूम है आइसक्रीम खाने से एसिडिटी ठीक होती है, ठंडा दूध पीने से एसिडिटी ठीक होती है, चीनी के ऊपर आइसक्रीम को आप रख सकते हैं, चार पाँच मिनट आइसक्रीम का रख दिया आप एसिडिटी, मैंने कहा कि ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तेल अच्छी है तो आप कम मेहनत के अंदर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, इस टेक्निक को आपको खाली सिंपली कॉन्स्टिपेशन की एक आम समस्या है, और मैं कहता हूँ अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है या रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट है उसको अगर कॉन्स्टिपेशन अगर है तो मैं कहता हूँ वो फिजियोथेरेपिस्ट और रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट नहीं, उसको जीवन के अंदर कॉन्स्टिपेशन का खुद को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन किसी बीमारी उसको हो नहीं सकती अगर वो सिस्टम को जानता है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बैठी किसी वजह से कोई भी आपके डिसऑर्डर से कोई आपका डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सिंपल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ मिनट से अंदर ठीक किया जा सकता है, और वो सिंपल तरीका है ये पोलन का कॉरेस्पोंडेंस एरिया बढ़िया आपका कॉरेस्पोंडेंस एरिया है आपके अंदर, और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन है या आपको रेगुलर है तो आपको जो सुबह आपको स्कूल बॉल प्ले करने का टाइम है उससे 5 मिनट पहले से आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है और एक हफ्ते के नशा के लिए मिल जाएगा, और वो सिंपल टेक्निक है इसकी डायरेक्शनल मसाज, कोलन के अंदर जो विसरा है इस तरीके से मूव असेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन से रेक्टम, ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, ये रूट हमारा हाथ के अंदर ये रूट है, अगर हम इसकी मसाज नो प्रेशर इवन यानी असेंडिंग कॉलम ट्रांसवर्स कॉलम डिसेंडिंग कॉलम सिग्मोइड कॉलम रेक्टम और इसके ऊपर ये मसाज अगर ये डायरेक्शन मसाज करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से आपके जो बॉल मूवमेंट का जो रेगुलर टाइम है जिसमें आपको जाकर आधे घंटे अंदर बैठना पड़ता है उसके जाने से पहले 5 मिनट की एक्टिविटी आपको करनी है, दोनों हाथ में कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन इस तरीके से होगा, आपको डायरेक्शन ध्यान रखना चाहिए, इसमें डायरेक्शन इस तरीके से इस हाथ में, लेकिन इसमें कम्फर्टेबली ये डायरेक्शन, और 5 मिनट पहले आप करना शुरू कर 5 मिनट पहले करेंगे 2-4-5 दिन के अंदर कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो आपका कॉन्स्टिपेशन परमानेंटली क्योर हो जाएगा इस सिंपल टेक्निक से। नहीं गैस है दूसरी बात है, गैस अगर कॉलन की गैस है तो इससे निकल जाएगी, लेकिन अगर गैस स्टोमक में तो फिर इससे नहीं निकल सकती, ये सारा आपका डिजीज का सेंस
डेवलप करने की बात है, डिजीज कैसे जनरेट होती है बॉडी में उसके हिसाब से। लेकिन अगर कॉलन में है आपके गैस, तो कॉलन की गैस इस तरीके से निकल जाएगी। और बहुत सिंपल तरीके से की बात बता देता हूँ, अस्थमेटिक प्रॉब्लम में दो तरह की प्रॉब्लम जनरली फेस करनी पड़ती है। एक है प्रॉब्लम ड्यूरिंग इनहेलेशन, अस्थमा के अटैक के अंदर सांस लेने के अंदर कठिनाई होती है। एक अस्थमा आया जिसके अंदर सांस छोड़ने में कठिनाई होती है, लेने में ठीक है, छोड़ने में कठिनाई होती है। दो तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम है अस्थमा के अंदर दो तरह की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है इनहेलेशन डिफिकल्ट और दूसरा है एक्सहेलेशन, सांस छोड़ना डिफिकल्ट, सांस लेना डिफिकल्ट। उस को बारीकी से अगर देखेंगे तो फिर ये डायरेक्शन टेक्निक को यूज करके उस अस्थमा की प्रॉब्लम को, अदरवाइज आप सिंपल इंसुलेशन करके खाली प्रेशर टेक्निक के माध्यम से जो रिजल्ट आप 10 या 15 दिन में लेने वाले हैं वो रिजल्ट उससे आ रहे टाइम के अंदर प्रॉपर टेक्निक को यूज करने से हो जाएंगे। अगर आपको बाहर निकालने की समस्या है, सांस को बाहर निकालने में डिफिकल्टी है, तो ये आनंद का बहुत सुंदर से क्या है, इसके ऊपर इंसुलेशन आपका होना चाहिए बाहर की तरफ। अगर सांस लेने का वो अस्थमा की प्रॉब्लम के अंदर बहुत जल्दी इस तरह की प्रॉब्लम में इसका फायदा होगा। दूसरा ओल्ड एज के अंदर ब्रीथलेस में होना आम बात है, जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे सांस छोड़ना, सीढ़ी चढ़ने में कठिनाई होना, ये करना ये बहुत आम बात है। उसके लिए एक सिंपल सिलो की टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ, बिना प्रेशर, बिना ये सारी टेक्निक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिना किसी एम की टेक्निक से आप अपना कोई भी रूटीन वर्क करते हैं, घूमने वॉक में अंदर है, अगेन ये हमारे लंग्स है, इन लंग्स की अगर हम मसाज करें किसी टेक्निक से और उस मसाज के अंदर अगर एक तरह से कहें इसका गर्म सेक करते हैं, ओल्ड एज का मतलब कोल्डनेस एज, सुधो की टेक्नोलॉजी में वो एज है कोल्डनेस एज, तो उसको हीट का टेक्निक चाहिए। अगर हीट यहाँ पर प्रोवाइड की जाए लंग्स के ऊपर, तो ये ब्रीथलेस की समस्या, सांस लेने की समस्या, सीढ़ी चढ़ने उतरने की समस्या, इसका निराकरण आपका 4-5 दिन के अंदर हो सकता है। और वो लंग्स की मसाज सफल तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं डेली रूटीन में भी। ये देखो आप दोनों लंग्स से लंग्स मिल गए, मिले और ये देखो रब करो मेरे साथ में, देखो ये लंग्स का चाहिए, लंग्स चेस्ट कि कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जिसके अंदर सेफ प्रोवाइड करना है, ये आपने सेफ प्रोवाइड किया। सिंपल टेक्निक से बहुत अच्छे इस तरह के टेक्निक्स मैं बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन आप मेडिसिनल वैल्यू इवन मैंने तो आपको मसल ट्रांसफर का जो बताया जैसे लंग्स के लिए, उस लोगों को तुलसी से बड़ी गलती है, तुलसी का कष्ट के लिए बनाकर या तो तुलसी लगा दो, हमने सब तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखे, लेकिन मुझे ये येलो मस्टर्ड वाला पाना मुझे पर मेरी पसंद रही है, लेकिन मैंने शहद का लेपन करके देखा है, यहाँ पर अदरक के छोटे छोटे टुकड़े जमा कर देखा है, तुलसी के पत्ते यूज कर दिए यहाँ पर लंग्स के ऊपर, और सारे का सेम इफेक्टिवनेस आप बॉडी के अंदर वैसा का वैसा फील कर सकते हैं जैसा आपको उसके खाने से आता है। तो यहाँ तो खाने की जरूरत क्वान्टिटी की कम रिक्वायरमेंट और खाने के अंदर उसकी प्योरिटी वगैरह के बारे में ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ब्यूटी केयर के लिए रियली मैं कहता हूँ बात की नुस्खा जो आप जो हर्बल पैक वगैरह जो लगाया है अपने चेहरे के ऊपर वहाँ भी लगाओ, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ भी लगाओ, और फिर देखो आपका डबल इफेक्टिवनेस आपके चेहरे के ऊपर कितना जल्दी आता है, बहुत यूजफुल टेक्निक है। और कोई स्पेसिफिक आपका जैसे जनरल मैंने लंग्स की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन के बारे में ये जनरल आइडिया आपको दिया, एसिडिटी का एक और प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम भी अपने आप में, मैं आपको एक और सेंस डेवलप करना चाहता हूँ, प्रेशर देना कैसे चाहिए, प्रेशर देने की टेक्निक अगर आपको अच्छी तरीके से आ गई तो आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया एक्यूप्रेशर के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। एक एग्जाम्पल से उसको और क्लियर करता हूँ, समझो कि ढकन का नॉर्मल से कम होना, मेरे पास अभी एक पेशेंट करंट में जयपुर में चल रहा है, 10 साल से उसकी पल्स रेट 50 चलती है, 50 50
परसेंट मेडिकेशन है वो कहता है कभी 50% हो जाती है लेकिन 10-15 दिन में वापस वो 50 में चली जाती है। 10 साल की मेडिकेशन के बावजूद भी उसी 50 से ऊपर बढ़कर 55 इससे बन गई थी। अभी मैं पिछले 15 दिन से उस ट्रीटमेंट में लिया है और ट्रीटमेंट के साथ चूंकि वो सीकर का है जयपुर से 2.5 घंटे का रास्ता है डेली आ नहीं सकता है बीच में एक बार बुलाता हूँ और कुछ टेक्निक मैंने उसको सिखाई है। परसों वो मेरे पास सिटी दवा के है वो पहले डेली इस 10 साल के अंदर पहली बार पर सेट ऐसा तक पहुँच चुकी है 65 वो रेगुलर 3-4 दिन जो डेली रूटीन में कर रहा है पिछले 15 दिन के अंदर 65 वो इसी तरह के लिए है मेरे साथ दिखाने के लिए पर सेट मैं झूठ नहीं बोलता हूँ 65 पहली बार अचीव की है इससे बन जाएगा नहीं है अभी और लंबा ट्रीटमेंट करेंगे तो मालूम पड़ेगा लेकिन 65 अचीव करना भी अपने आप में अचीवमेंट है और उसकी टेक्निक जो मैंने अपने मन से परसेंट उसकी अभी है कम सुजो के अंदर ये हार्ट का परसेंटेज पॉइंट है ये हार्ट का परसेंटेज पॉइंट सुजो के अंदर मैंने उसको कहा है आपको इसकी प्रेशर की सर्विस दे रहा है मैं प्रेशर की बजाय टेक्निक को यूज करता हूँ प्रेशर ट्रीटमेंट में कम यूज करते हैं टेक्निक मैंने कहा आपकी परसेंटेज है 50 पहले आपको ये स्पीड बढ़ानी है 50 की 1 2 3 उसको बढ़ा दे दीजिए आपका टारगेट क्या है 72 अभी है 50 50 वाली स्पीड से शुरू करो और फिर बढ़ा दो ये उसको कहा मेरे को दिन में मेरे को ये 4-5 बार ये कार्रवाई 2-3 मिनट एवरी टाइम करनी है 1 मिनट पहले 50 की स्पीड मेंटेन करेगा फिर अगले 2 मिनट तक वो 72 की स्पीड मेंटेन करेगा इसके ऊपर खाली वो पल्स एसएसएस कंप्लीट जैसे कि अपन समझ जाते हैं पल्स ऐसे जो बनाएगा वापस बनाएगा तो ये पल्स यहाँ पर बनाई और 15 दिन का एक्सीडेंट है उसी पहली बार की 65 टेस्ट है अगर ये किसी अगर टैकी पार्टी की प्रॉब्लम हो घटना ज़्यादा हो तो यहाँ पर पहले ज़्यादा वाली स्पीड बना और फिर उसको धीरे 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 कम कर दो। मैंने कहा ये ह्यूमन बॉडी और हार्ट के अंदर समानता है और समानता का अगर आपको गुण धर्म अगर मैंने मालूम करना हो तो मुझे नहीं मालूम आप लोग में फिजिक्स के लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है घंटियों का ट्यूनिंग फोर्स का समान समान घंटियाँ यहाँ पर रखती है एक को हिट करते हैं यहाँ पर तो एक को हिट करते धीरे धीरे सारी घंटे लगती है उसमें डिस्टेंस सपोज क्राइटेरिया नहीं करते तो समान है चाहे वो दूर पड़ी है वो पहले बसती है पास में है वो असमान को नहीं बसती और ये प्रूव हो चुका है ह्यूमन बॉडी में हाथ का जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी से सिमिलर है और जो सिमिलर है उसकी वजह से छोटे रेजोनेंस की वजह से इनके बीच में फास्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की इनहेरेंट नेचुरल कैपेसिटी है विदाउट लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी विदाउट लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी आपको उससे समझ लो इंटरनेट इंटरनेट का समय क्या कर रहा है मेरी रेटिंग और आपकी रेटिंग को मैच कर देता सिमिलर ये सिमिलरिटी आपको सिखा देता एक सेकेंड के अंदर दोस्तों के अंदर आपस में तालमेल बिठाने की अपूर्व क्षमता है अद्भुत क्षमता है और चूंकि हार्ट और ह्यूमन बॉडी सिमिलर है इसलिए जो आप यहाँ पर करते हैं उससे ये तारतम्य इमीडिएट दिखा लेता है बिना किसी फिजिकल लिंक के ये इसकी ड्यूटी है कितना ये नई डिजीज अगर हो तो दिन में एक या दो बार करना भी सफिशियंट है लेकिन अगर पुराना 10-15 साल का लोग हो तो हर 2-4 घंटे में उसको उसके बारे में कुछ करने की सलाह इस तरीके से दी जाती है तो इस तरीके में मेरा मतलब है कि अगर आप अपना माइंड अप्लाई करो इसके अंदर खाली डिसाइड करना पड़ता है और उसके लिए आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है माइंड अप्लाई करो रटके किताब करके नहीं सीखा जा सकता और आप अच्छे एक्सपर्ट थेरेपिस्ट नहीं बन सकते जब तक आप उसको स्पिरिचुअली बाय सोल नहीं सीखे सब्जेक्ट को ये जब तक विषय आपके आत्मा में नहीं बसे और जब तक आपकी ये आध्यात्मिक अनुभूति का भाग नहीं बने तब तक आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते और तब तक इसको आप अगर एंजॉय नहीं कर सकते तो आपके पेशेंट को फिर कैसे एंजॉय करेंगे पहले तो थेरेपिस्ट को एंजॉय करना पड़ता है फिर पेशेंट ने एंजॉय करता है और कंट्रोल सिस्टम में अगर आपको कभी भी मौका लगे सुजोग को डीप तक समझो मेरे ख्याल से सुजोग को डीप तक अगर समझ लो रहे हैं मैं सुजोग के बारे में कम जान रहा था मुझे थोड़ा अभिमान था मेरे पर कि मैं शायद काफ़ी जानता हूँ अब जानने का प्रोसेस शुरू हुआ है तो मुझे लगता है मैं इतना सा जानता हूँ इतना जानना बाकी रह गया है लेकिन जो इतना जानता हूँ वो भी मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे लिए बहुत काफ़ी है आप लोगों से तक पहुँचने के लिए लोगों पर तक लोगों की हेल्प करने के लिए स्वावलंबी चिकित्सा पद्धति के अंदर सुजोग फास्ट क्योरेटिव इफेक्ट देने वाली नंबर वन टेक्निक है कोई कंपैरिजन की बात नहीं बिल्कुल हर एक प्रति मैं आप लोगों से पहले यह सोच रहा हूँ कि जो आपके पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हों
वो आप में लिखे दे दें, आपके सारे क्वेश्चन जब आपको मिल जाएगा उसके लिए हम आपको फिर से बता सकते हैं। सुजो के बारे में एक कोई सी बात बोलो, अगर बॉडी का यहाँ पर आपको जो बॉडी का जो लेआउट है यहाँ पर ये ह्यूमन बॉडी का लेआउट जो हाथ में है इसकी अगर पूरी परफेक्ट नॉलेज है तो बता देता हूँ स्लिप डिस्क मेडिकल सिस्टम के अंदर इनक्योरेबल डिजीज है विदाउट सर्जरी। और सर्जरी भी मोस्टली डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं जब तक बहुत अपने पे बल नहीं पड़ती है। डॉक्टर की ओर करना चाहते हैं स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी को न्यूरो सर्जरी स्पाइनल कॉर्ड में स्लिप डिस्क। और आज अगर आज बड़ी दुख की ये बात है कि ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आम हेडेक जैसी प्रॉब्लम होती है मेरे पास में रोज एक या दो स्लिप डिस्क पेशेंट की एंट्री है क्लिनिक में नई पुराने तो चलते ही है नई की रोज की एक या दो स्लिप डिस्क पेशेंट की एंट्री है इतने स्लिप डिस्क पेशेंट है 20-25-30 साल की उम्र में लोगों को स्लिप डिस्क हो जा रहा है और बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ऑपरेशन की तरह तो 2-4 लाख रुपये का खर्चा है बस का और उसके ऊपर भी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। और मेरे सिजो थेरेपी के यूज से स्लिप डिस्क के अंदर 99% सक्सेस रेट है 100% कहना कभी कभी अतिशोक्ति हो जाती है 1% की वजह से काम करेगी सेफ्टी के लिए नहीं तो 99% स्लिप डिस्क के केसेस हम सिंपल टेक्निक से सिजो से हैंडल कर सकते हैं सिजो थेरेपी से। क्योंकि आपको थोड़ा सा आज अगर बोल वर्ष भी होता तो मैं कुछ चीज़ें आपको हाई सी नहीं करके समझा सकता था लेकिन बहुत सी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते गौर पिक्चर्स तो मैंने सिजो का ट्रैक्शन भी बनाया जो ट्रैक्शन आता है ना किसी को बैक की प्रॉब्लम हो जाए तो वेट कर देते हैं मैंने सिजो का ट्रैक्शन क्रिएट किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर सिजो में ये मेरी मेंशन है। प्रोफेसर भार्गव तुमने कहा कि तुम्हारा ये ग्रेड टू को जाना चाहिए कि दिमाग तुमने लगाया तो इस तरीके से ट्रैक्शन बनाया जा सकता है। और मैंने हजारों मेरे स्टूडेंट्स को मेरे पेशेंट्स को ये सिजो ट्रैक्शन सिखाता हूँ समझाता हूँ और उसे स्पाइनल कॉर्ड की लगभग सारी समस्याएं बिल्कुल बिना पेन के अटेंड हुई कुछ गेम की टेक्निक्स हैं सीट्स की लगाने की टेक्निक उसके माध्यम से या ट्रैक्टर बनाकर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं यहाँ से जो वेट से किया जाता है वो विदाउट वेट कर देते हैं और बहुत हो जाता है। आपने आपसे पहले बात करने का मौका मिला और सर ये आभारी हूँ छोटा सा बहुत ही आभारी हूँ कितना सुने और आगे मेरे पर रखते हैं और ये जो आयोजन किया है पूरे राजस्थान के अंदर कुछ बात अलग है इंडिया के अंदर भी अगर अगर क्षेत्र के अंदर जो अनकैरी जो उम्र किसी आदमी ने अगर एक ने किया है तो उसने छोटा सा परिणाम सबसे बड़ी है क्योंकि एक ऑपरेशन है ये मैं जानता हूँ कितना ऑपरेशन है ये नशा है घर में आग लगाते तमाशा देखने वाली तक कह दी गई है और इस टेक्निक को वो एंजॉय कर सकता है जिसको इसका नशा हो जाता है वो नशा छोड़िया साथ हुआ है वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है हम सब लोग उनके खाली कोठाई साफ होकर यहाँ बैठा देंगे तो कहीं भी लगते हैं। बेसिक और बुनियादी बात ये है कि उस थीम को आप समझें आरोग्य आपका पुस्तक आपके हाथ में है आप उस पुस्तक को पढ़ें उसमें डॉक्टर साहब को समझाने की कोशिश करें जो फिगर वो फिगर दिया हुआ है तो जो उसके सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको एक बार दो बार चार बार आप पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी और बाकी जो थीम उन्होंने दी है उसको अप्लाई करेंगे तो आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ें सोचेंगी जैसे आप देखें ठंड में आप कपड़ की सूखी है तो आप हाथ सकते हैं लेकिन पूरा मन गर्म हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग वाक्य सुनाऊँ 98 में हम लोग इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में थे छोटिया साहब थे हम थे आशा बिड़ला जी थी दो चार और लोग थे मैंने 121 बार संख्या में डुबकी लगाई थी लेकिन मैंने कपड़े नहीं दिए है तो मैंने कभी डुबकी 121 बार है मैं तो उसी बात बता रहा था मेरी तो तकलीफ आता को गैस की प्रॉब्लम थी गैस बोले तो कहते आओ जाओ जो बोलते गैस होते लोग नहीं जाए बोलते आओ जाओ तो ये बीमारी है तो मेरी बात को हुई तो हमने उनको हाथ में कई सारी मेथी एक बटन मेथी रख लिया वो हाथ से उठा दी थी आपने हाथ में रख के दबा दी थी फिर रख दी तो जब तक उठाती थी तो कम से कम चार से सरकार को आओ जाओ बोलती थी ऐसा करते करते आज ये है कि वो आओ जाओ से पूरी तरह सही के लिए फ्री है क्योंकि उस बीमारी में आप देखिए कि बदन कहीं भी बनाए कैसे करते तो उनसे फायदा हो तो जैसे अभी ऐसा मैंने बताया कि आपने हमें ये चल रहे हैं हमें ये चल रहे अब खुद भी अपना बीमार लगा सकते छोटे हाथ खाने से बेटे दस आ जाते हैं बड़ी आसान हो जाती है पर खत्म हो जाता है छोटे हाथ का पौधा आपके हाथ लगा ले तो आप 100 रुपये चिकित्सा पद्धति के लिए कुछ बातें बेसिक है ऐसी है किसी पद्धति के साथ काम करो लेकिन अगर घड़ा टूटा हुआ है अगर उसके अंदर पानी डाले ठीक है पानी रह जाएगा फिर सांप डालो उसका खाली पेट डाला
आज फिर इसके पैसे को छेड़ मैंने क्यों कहा जाता है हमारा? ये हमारा तो शरीर है, कभी आपने देखा ये शरीर कैसा है? क्यों सीमेंट कर दिया? एक आम एक आम एक कान एक कान एक हाथ इधर एक हाथ इधर एक कर इधर ऐसा सीमेंट कर कभी आपने दिल और दिमाग लगाया? मैं बैठता हूँ तो पैर को पैर धरके क्यों बैठा? यही पैर पर जाता है इसके ऊपर, यह पैर बन जाता है। रात को सोता हूँ तो ये पैर इसके ऊपर क्यों जाता है? दूसरे क्यों जाता है? एक आंख ध्यान कर जाए ध्यान देकर क्या होगा? हमारा बॉडी बाएं और दाएं में सिमेट्रिकल है, आगे और पीछे उसमें संतुलन है, साथ साथ आगे पीछे होगा। तो इसलिए शरीर के अंदर कुछ संतुलन है, यदि हम इस संतुलन को कर दें तो हमारे उपचार के लिए बहुत फास्ट है। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको एड़ी से लगाकर गर्दन तक कहीं दर्द, वो एक व्यक्ति सामने आ जाए, क्योंकि एक कटरी पार्टी सबको साथ आना है। इसलिए मैं कोई व्यक्ति आ जाए समझना तो उसके साथ में हम इसका ट्रीटमेंट करें। कौन बोला? मैं अपना सब कुछ हम इधर दौड़ कर भागते हैं, नस हमें नीचे की करनी चाहिए, यही क्यों उसे बैठे उसे वाला हाथ का बंद कर यहाँ की लाइटिंग लगती। ये सारी बातें इसलिए मैं कहता हूँ कि हम थोड़ा सा घर चीज सकते हैं क्या क्यों कब कैसे कितना और उसका जवाब हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जिंदा चलते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें जाना जरूरी है कि हमारे ये सुना सबसे पहले हमें इसलिए हमें पहला काम है हम कैसे चेक करें कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है, उसे कितना परफेक्शन है, कितनी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कभी एक ही में नहीं आता, लोग कभी रात रात नहीं आता, कितने ही महीनों और कितने ही सालों की गलतियां करने के बाद में एक के बाद उस गलती पर बैठे हैं, तब कहीं जाके हमारे से रुक सकते हैं। आप ये काम ना कुछ बोले और पहला परिचय बता रहा हूँ बाल की मारी बाल माने और बैठ बोलने पहले हम देखें कि हम कैसे अपनी स्थिति देखें। आप हाथ पीछे कर लीजिए, हाँ हाँ जाकर बैठने की कोशिश कीजिए, बैठने की कोशिश कीजिए। जो इस पोजीशन में बैठ सकते हैं उनका स्पाइन उनका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये आपके टेंशन से आप योगा करते हैं कुछ भी करते हैं, इस बात की आसन में बैठकर इस आसन में जो व्यक्ति बैठ सकता है उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी स्पाइन उसका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा है। उसके अंदर कितना कहिए मोर देन 85% काम देखा देखे ये कितना भी है, लेकिन इस कोर्स में 40 साल से ऊपर से बहुत लोग बैठते हैं। आज तक तो क्या 40 साल का 20 साल के व्यक्ति भी बैठ सकते। दूसरी बात अब पैर में बैठ गया, ये सेकंड स्टेज है। अब आप बैठने की कोशिश कीजिए, जो इस कोर्स में बैठ सकता है उसका सिस्टम मेरे हिसाब से बैठने में ये मतलब 85% के लगभग काम करता है। 100% से अगर प्रॉब्लम एलर्जी स्टार्ट हो चुकी है, ये सब जो स्पोर्ट से मैं निकल रहे हैं हाथ पर रहे हैं आराम से बैठ जाइए बैठ बैठ जो स्पोर्ट से मैं निकल रहे हैं इसका मतलब जो स्पोर्ट से थर्ड पोजीशन में निकल रहे हैं इसका मतलब उनका स्पाइन आप 100% और कम कर दिए 70% के लगभग काम 30% प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बाद में है गर्दन को सिर्फ इसका डिकेट नहीं हुआ स्पाइनल डिसीज नहीं हुआ घुटने में दर्द नहीं हुआ लेकिन दर्द की जो स्थिति है अंदर इससे बात ना सुनिए। अब इस हाथ में जो इस पोस्ट के बाद में नहीं हो सके तो हमें क्या करना है? जो नहीं कर सकता है तो उसको क्या हम यहाँ दबा रहे हैं और बैठने की कोशिश करते हैं। बैठिए आप जी बैठे इस जब आगे जाते हैं जैसे जैसे आगे जाने की स्थिति में ये बैठ जाते हैं उसका उतनी उनके अंदर पावर जाता है। जब तक इसको एटी से लगाकर करते तो कोई शॉप में करते हैं क्योंकि जो कंडीशन है जो वर्किंग कंडीशन है
जल्दियां नहीं, लेकिन जब से स्पाइन बैलेंस, नेक बैलेंस, नेवर बैलेंस और ये मतलब आपका बैलेंस कम कम, उसके बाद में आपके रिजल्ट किसी प्रकार से नहीं, आपका रिजल्ट बहुत फास्ट होगा। इवन स्पेन इससे पैसेंट तीन दिन अति शक्त नहीं, तीन तीन दिन के अंदर बॉम्बे से जाकर ढोल कह के कैसे आए हैं और ठीक हो गए। सारे घटा भरा पड़ा है आदमी करने के कसर के, इसलिए स्पाइन बैलेंस की बात मैं ज्यादा करूँ। ये बात तो मैं आगे कह सके, आप किसी मिनट योगा को भी करें, योगा के साथ में इन आसन में आप बैठने की कोशिश करें, जितना आप करें या करें उसके साथ में आप महीने भर महीने भर जो भी आगे नेक्स्ट कोर्सेज में आप बैठने लग जाएंगे, और जैसे जैसे बैठ लगेंगे आप लगातार आप इसको करेंगे। ये एक्सरसाइज आप और करनी है, आप जब भी सोचें इस पोजिशन में सोचते हैं तो दूसरे पोजिशन आने की कोशिश कीजिए, बड़े दिन बाद महीने के बाद आप करके करता उस पोजिशन बैठ रखेंगे और आपका प्रॉब्लम आपका ट्रीटमेंट अपना देखेंगे। अब दूसरी बात आती है कि हम ट्रीटमेंट करें कैसे। वैसे मैं सौ की चीजें बताता हूँ, सारा सारा उपचार एक्सैक्ट बॉडी बैलेंस, सारे सारे उपचार जो मैंने जब तक अपना पोजिशन से कर, मैं बहुत एडवांस की बात नहीं, जो खुद कर सकता है खुद बिना नुकसान कर सकता है, लेकिन एक स्पाइन बैलेंस का पार्ट है इसमें किसी दूसरे की मदद करना चाहता हूँ। और क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति धरता धरती पर सकता है, घर में हम परिवार से के काम करते हैं, बाहर नहीं कर सकते, किसी नौकरी कर सकते, हमारे सिस्टम में कैसे कर सकते हैं सिखा दिया, आज भी जाएंगे कल आप जाएंगे तो जिनका भी है आप सीख लें आपस में डिस्कस लें, और इसको करने के बाद में निश्चित रूप से आपको इमीडिएट गेन मिलता है। आशा एक ही पैसे का सही मिला जिस तरह से पैसे के बाद सिर्फ एक पैसे आता है घर में, क्योंकि सारी सारी बॉडी के रिलैक्सेशन है, इससे जो होता है वो अपना उसी प्रकार के आपके सामने बता जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पार्ट है हम पैरों को कैसे चेक करें, क्या बराबर है या नहीं, और उसके बाद बराबर नहीं है तो हम उसको कैसे बैलेंस करें, कैसे ठीक करें, क्योंकि आज जितना भी हम चलते हैं चलते हैं उठते हैं जितने दौड़ते हैं तो हमारा सबसे पहले पैर का बैलेंस कैसे करें। दोनों पैर भी और दोनों पैरों को दोनों और कठों को दोनों कठों को मिला के खींचा और दोनों कठों मिला के, और ये देखेंगे फिर हम जुड़ रही है, आप देखेंगे अंगूठे के बीच में कितना गैप है। अभी पैर का बैलेंस किया जा रहा है, पैर के दोनों टखने मिला करके दोनों अंगूठे आपस में मिला रहे हैं, यदि वो बराबर है तो आपका बैलेंस सही है और अंगूठा आगे पीछे तो बैलेंस सही है। आपका एक पांव छोटा है एक बड़ा है, ये अंगूठा आप देखें पता लगा आपको, दोनों पता लगा आपको ये पैर, और हमें पता ही नहीं चलता एक पैर छोटा था, और अधिकांश 99% लोगों के ये शिकायत है। अब जब एक पैर छोटा होगा लेकिन अगर कभी इसका प्रॉब्लम है, कभी चोट आई हुई है, फ्रैक्चर है, हम नहीं खेल सकते, इसलिए इसकी जो टेक्निक है छोटे पैर को बड़ा कैसे करें, बड़े पैर को छोटा क्या धक्का मार के करें, तो छोटे को बड़ा तो खींच के कर सकते हैं लेकिन छोटे को बड़ा कैसे करें और बड़े को छोटा कैसे करें। छोटे को बड़ा करने का सिंपल जो पैर है अभी तो मालूम है ये पैर छोटा है, ये खुद भी कर सकते हैं लेकिन चेकअप करने के लिए दूसरे की आवश्यकता है। जो पैर छोटा है उसको बड़ा करने के लिए इस पैर को लिया, जो पैर छोटा है उस पैर से लिया। हम ये पूछ लेते हैं कि भाई साहब आपके कोई पैर में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, हम उस पैर को नीचे, हम ऑथराइज डॉक्टर नहीं है इसलिए हमें बहुत साथ देते हैं, तो किसी व्यक्ति के फायदा हो या ना हो किसी भी हालत में नुकसान नहीं होना चाहिए, और ये पहली शर्त है 99% फायदा हो 1% नुकसान हो हम उस काम को करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस परिस्थितियों में जिस वातावरण में आज हम स्वावलंबी और मरीज शिक्षा की बात करते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी है भाई फायदे का हमें जिम्मेदारी लेकिन हम भी क्लेम करते हैं, लेकिन 1% काम करने जिस बिना ये भी कर सकते हैं तो उसको क्यों नहीं फैल जाए, इसमें नुकसान है या गलत करो, अब गलत कर नहीं सकते बॉडी और माइंड का बॉडी साथ है। अब इसके लिए आप जितना जा सकते हैं आप जाने की कोशिश कीजिए, पेशेंट का चेहरा देख लीजिए कोई जबर से नहीं है, जितना जा सकते हैं उतना जाने से, और उसके बाद में जो पैर छोटा है यहाँ से दबा दिया और उसको अंदर की तरफ
शॉर्ट इन लॉन्ग आउट, छोटे पैर को निकाल देते हैं, अंदर जितना जाते चल लेंगे, जितना सांस होता है छोटे पांव को अंदर की ओर ले जाना है, उसके लेके वापस हाथ लगे वापस चेक करने पर एक तो अपनी एक तो अपने गुस्सा कर लिया। बहुत सिंपल टेक्निक है, अब ये चाहे खुद भी करते हैं, इनको मालूम है ये क्या छोटा रहता है, मेरा दिन में गए अपना आप इस स्नैप को हाथ लिया, अब हाथ से लिया स्नैप को उसे बचा और जब तक आप दोनों पैर बांटेंगे आप नीचे नीचे हैं तो कहीं पर गाड़ी कितनी अच्छी है, ड्राइवर कितना अच्छा है, अगर चक्के में हो नहीं अभी तो अजीब स्थिति होगी। हम इसलिए जहाँ से भी जो अच्छी टेक्निक है, अगर ये टेक्निक 100% नहीं है और कहीं तो हम उसमें से भी इसको लेके सीखें। क्या नहीं करा क्यों, फिर आदत पड़ी हुई है, फिर हो जाएंगे, आज मैंने किया कल वापस हो जाएंगे, इसलिए लगातार 5-7 दिन तक ट्राई कर लें और 7 दिन तक लगातार आपका बैलेंस रहता है इसका ठीक। बड़े पैर को छोटा करना हो, ये पैर लिया इसको लिया इसको बड़े पैर को छोटा बनाने की प्रक्रिया बताई जा रही है, इसको बाहर की साइड लेना है, पहले वाले को अंदर की साइड लिया था। एक आप नोट करिए, शॉर्ट इन लॉन्ग आउट, छोटे पैर को बड़ा करना हो, जो पैर आपका छोटा है उसको बड़ा करना हो, अब जहाँ तक गैप लाइए उसको तो कर लेना, बड़े को छोटा करना बात करने, ये बात आपको समझ आई या नहीं आई, ये फैक्ट्री पार्ट है आप समझिए और सब है ना। कल अपन मिलते हैं स्पाइन प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, उसके समय जिनको भी है शर्म नहीं करें, हम ग्रुप बना लेंगे और हाथ हाथ रिलीज देंगे, आपको रिलीफ मिलता है तो उसको सीख लीजिए, इसमें टेक्निक कैसी कुछ आता है। दूसरा जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है गर्दन का बैलेंस, तो हमारा गर्दन भाई जो गर्दन का बैलेंस है, क्योंकि हमारे गर्दन का एक सेंटर है, इसको पूरी पूरी हानि है क्या गर्दन का प्रधान करते हैं और उत्पादन को भी ध्यान कैसे दें, हम कोई लोग पट्टा बांध के चलते हैं, कोई कैसे चलते हैं, हम इसको कैसे करते हैं। गर्दन का बैलेंस बता रहे हैं आपको, पहले पांव का बैलेंस हुआ, अभी गर्दन का बैलेंस दिखा रहे हैं। गर्दन का बैलेंस करने के लिए दोनों एक मिनट दोनों हाथों पर, दोनों हाथों को काम करेंगे और बिल्कुल धीरे से जितना धीमे कर सकते हैं, कोई झटका नहीं लगाए, जितना मूवमेंट करते हैं इस गर्दन को आप लेफ्ट हैंड करते हैं और फिर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट को लेस कीजिए, गर्दन को लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कराना है। हंसने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई चीज हमें सीख रही है तो उसके लिए हमें सीख रुका उन लोगों की हालत जानी है जो गर्दन पट्टा बांधते हैं, आपको बहुत सरल लगता है लेकिन जिस समय ये प्रॉब्लम आती है क्या हालत होती है, हम बिल्कुल धीरे 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 जाइए, कोई फोर्स नहीं, देखिए आपने यहाँ पे यहाँ इतना ये गर्दन यहाँ पे रहते हैं इतना रिलैक्सेशन है, अब नीचे ऊपर क्योंकि ये सेंटर मिडिल ऑफ द किंडर का जो सेंटर है, नीचे ऊपर जो बैठे और नीचे ऊपर भी हमें रिलैक्स किया, पहले गर्दन को बाएं दाएं अब नीचे ऊपर घुमाया जा रहा है, नीचे ऊपर घुमाने के साथ में हम देखिए हम एक झटके के साथ में उसको लेफ्ट एंड राइट कर देंगे, इसमें भी आदमी जाता ना मामूली थोड़ी बात ही होती है।